हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज, अब दो लोगों के लिए मैं एक नया प्लान लेके आया हूँ। डेली मैं एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो फिटनेस के लिए है। बस आप अगर अपना फैट लूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली घर पे बैठ के और सिंपल सा वर्कआउट करके आप कैसे अपने फैट को लूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बार जस्ट एक कम्प्लीट वीडियो रहेगा। ये मेरा प्रोसीजर, मैंने फैट लॉस किए थे, आप देख सकते हैं। मैं बहुत मेरे दौड़ निकल आई थी और मैं कॉलेज जाने के बाद जस्ट 5 महीने ये वर्कआउट किया, उसके बाद मैंने ये बॉडी गेन की और लगभग मैंने टोटल अगर बताएं तो हम 8 किलो वेट अभी तक मैं लूज कर चुका हूँ। टोटल वेट मेरा 76 किलो था, इस टाइम पे मेरा वेट जो है 68 किलो है। तो चलो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कैसा कैसा क्या करना होगा ताकि आप जो है अपना वेट जल्दी जल्दी लूज करें। एक्सरसाइज नंबर 1, हम पहले कार्डियो से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पहले बॉडी को वार्म करते हैं, सिंपल जो है वार्मिंग के लिए। तो हम स्किपिंग रोज से कम 60 रेप्स या 100 रेप्स आप मार सकते हैं एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद वार्मिंग के बाद हम थोड़ा सा अपनी ये थोड़ा सा बॉडी को लेग देने के लिए और थोड़ा बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम दूसरा वर्कआउट करते हैं, जो एक सिंपल सा ये है। जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद हम कार्डियो के साथ दूसरा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि जो है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक को हम 100 रेप्स या 62 रेप्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक्स। बॉडी स्ट्रेट हो, सीधी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए और ये पैरों के बीच की दूरी जितना हो सके उतना दूर आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये 60 सेकंड या 100 रेप्स मार सकते हैं। ओके, तो हमने जो है जंपिंग जैक्स कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी टू रिमूव दिस फैट एंड दिस फैट। तो उसके लिए हम जो है थोड़ा सा अगली एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं, बताते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा जो है आपको ये करना है कि पैर फैला के ये एक दाहिने हाथ का पैर यहाँ जाए, बाएं हाथ का पैर यहाँ जाए, सेम आपको करना है। तो उसके लिए हम चलिए शुरू करते हैं। कम कम आप इसको 100 रेप्स मारिए, उसके बाद नेक्स्ट। तो गाइस, मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं पुशअप करूंगा। और जो पुशअप करना है हमको, सारी एक्सरसाइज जो है आपको 3-3 के सेट में करना होगा। तो मैं बस एक सेट करके आप पूरा दिखा दे रहा हूँ, मैं पूरा कितना सेट करता हूँ, और उसके बाद 3-3 सेट में आप करिए। उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरी रहेगी पुशअप्स। पुशअप से क्या होगा कि आपके बॉडी में जो ये वाला फैट है
वो आगे आके आपके चेस्ट के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा कि आपका चेस्ट बनेगा प्लस ये वाला फैट जो है लूज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये सिंपल सी पुशअप्स है, तो सिंपल पुशअप आपको कैसे ना कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो है 15-15 का तीन रिप्स में, 15-15 का तीन रिप्स में पुशअप मार सकते हैं। अब पुशअप के बाद मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो माउंटेन क्लाइंबिंग होगी। तो वो उससे क्या होगा कि माउंटेन क्लाइंबिंग से मेरा जो है फैट जो है वो कम होगा, यहाँ का फैट ये फैट बेली फैट के हिसाब से थोड़ा वो कम होगा। तो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए मैं शुरू करता हूँ, बताओ माउंटेन क्लाइंबिंग कैसी करनी है, ठीक है। तो गाइस उसमें क्या करना होगा, ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, ठीक है। आपको ऐसे स्टार्ट करना होगा कि लाइक दे, ओके गाइस। माउंटेन क्लाइंबिंग के जस्ट बाद, तो भाई माउंटेन क्लाइंबिंग के जस्ट बाद हम जो है क्या कहते हैं उसको, माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद मैं जस्ट एब्डोमिनल क्रंच करने जा रहा हूँ। तो एब्डोमिनल क्रंच में क्या है कि आप हाफ करिए या फुल करिए, लेकिन सिंपल ऐसे जैसे आप क्रंच करते हैं वैसे नॉर्मल क्रंचेस मार सकते हैं या एब्डोमिनल क्रंचेस मार सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एब्डोमिनल क्रंचेस करने के बाद क्या करना होगा आपको, ठीक है। जैसे उसके लिए मैं जस्ट लेट जाऊंगा, उसके बाद अपने पैरों पर ऐसे रख के इसको आपको 20 का रेप्स मारिए तीन तीन बार। तो गाइस एब्डोमिनल क्रंच करने के बाद मैं जस्ट एक आपको कम से कम 50 रशियन ट्विस्ट मारने हैं। 50 रशियन ट्विस्ट क्या होगा कि ये हमारा जो बेली फैट है और ये बीच का फैट है वो हमारा फैट जितना जल्दी रिमूव हो सकेगा उसके लिए हम रशियन ट्विस्ट मारते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सीधे बैठ जाऊंगा ऐसे और बॉडी को स्ट्रेट करके ये पकड़ ऐसे करके 1-2-3 गाइज। तो रशियन ट्विस्ट के बाद मैं सीधा एक और एक्सरसाइज बची है और वो लेग रेजेस है। लेग रेज के बाद हम क्या करेंगे कि लेग रेजेस के बाद हम एक और एक्सरसाइज होगी जो बिना सोचे हुए मैं लेग रेजेस नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। वो दिखाता हूँ कि लेग रेज से क्या होगा। लेग रेज से क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, स्टोमक का जो लोअर पार्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी वो जितना से जल्दी मतलब मीनिंग वो धीरे धीरे टाइट होता है तो वो मसल्स जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए आप सीधे लेट जाएंगे। ओके गाइस, जस्ट लेग रेस के बाद हमारी एक और एक्सरसाइज होगी
जो हम एक मिनट के लिए प्लैंक करेंगे, ठीक है। तो आप सारे इसको फॉलो करेंगे तो आप गारंटी में बता रहा हूँ कि आपका फैट लूज होगा, उसके बाद बॉडी के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, ढीले मसल्स नहीं रहेंगे, और जो चेस्ट वगैरह लटका रहता है वो भी नहीं होगा, और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, प्लैंक, एक मिनट का प्लैंक होगा, ओके, ठीक है। प्लैंक के लिए आप जानते होंगे चीज़ें क्या करना होता है, सिंपल सा स्टेप है। तो गाइज ये रही हमारी पूरी एक डे की एक्सरसाइज। तो आप अगर इतनी एक्सरसाइज डेली फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि आपका फैट लॉस 100% होगा और आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का डेली फ्लो होगा। इसके लिए आपको ना कोई जिम की ज़रूरत है ना कुछ, आप सिंपल से देख रहे हो, मैं घर के छत पर कर रहा हूँ, आप यहाँ छत पर करो या कहीं पार्क में जाके करो, तो सिंपल सा है कि आपका पूरा परफॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग and please subscribe to my channel and please share it if you got this helpful।